तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चलिए चलिए टप्पू के पापा कहाँ रह गए? अरे यहाँ तेरे पीछे ही हूँ भाई। जल्दी से बैठ ले। थैंक यू। नया सॉरी सॉरी क्यों चाय नहीं पीनी? नहीं नहीं चाय पीनी है। तो क्या है कि तुझे लेट हो रहा था लेकिन मेरे लिए तू चाय बनाने रुकी, तुझे और लेट हो गया इसलिए सॉरी। अरे टप्पू के पापा सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मैं आपके लिए चाय बनाना भूल गई। तू इतनी अच्छी क्यों है दया? अब होता हूँ सॉरी। जा लेट हो रहा है जा। जय जी ने। अरे एक मिनट, पैसे है ना? हाँ 500-600 रुपए। अरे दया मैंने तुझे कितनी बार बोला है, जब तू बाहर जाए तो थोड़े ज्यादा पैसा रखा कर पर्स में, 500-600 से क्या होगा, पैसों की कब जरूरत पड़ जाए कुछ नहीं कह सकते। चलेगा मैं लेके आता हूँ रुक। अरे पर इसकी कोई जरूरत। अरे जाना मत, मैं लेके आता हूँ रुक। टप्पू के पापा ले 100 रुपए। 100 रुपए इसके लिए मुझे रोक के रखा तो और कितने चाहिए? कुछ नहीं, मैं भूली कुछ और ही समझी। अरे मजाक कर रहा हूँ, ये ले 5000। इतने सारे पैसे? अरे रखने भाई काम आएंगे, रख रख रख। बहुत मजाक सा हो गया। अरे तू जा अभी जा। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ बोलिए बोलिए धनजी काका। हेलो जेठा, कितने दिनों बाद फोन किया, कैसे हैं आप? मैं मजे में। चंपा, दया, वो टप्पू सब कैसे हैं? सब 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 मजे में काका, बापूजी, दया, टप्पू सब मजे में। अच्छा अच्छा, जेठा से कैसे पैसे मांगू? हेलो हेलो धनजी काका, हेलो। हाँ 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 जेठा, बाकी सब मजे में ना? हाँ बाकी सब मजे में काका। टप्पू बड़ा हो गया ना? हाँ अरे कॉलेज जाने लगा है काका। हाँ हाँ पढ़ाना उसे। हाँ बाकी सब मजे में ना? सब मजे में काका। अच्छा काकी की तबीयत कैसी है, बीच में कुछ बीमार पड़ गए थे? नहीं नहीं अभी सब ठीक है। चलो अच्छा अच्छा, भगवान करे उनकी और आपकी दोनों की तबीयत हमेशा अच्छी रहे। वैसे वहाँ क्या हाल है, बाकी सब मजे में ना? हाँ सब मजे में, वहाँ के क्या हाल है? अभी वो जमुना भाग गई है। अरे 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 इस उम्र में क्या सोचा उसको? इस उम्र में और नहीं तो क्या, मुश्किल से 45 साल की उम्र में तो शादी हुई, और भागना ही था तो फिर शादी क्यों की? जेठिया तू किसकी बात कर रहे हैं? वसंत काका की, जमुना की बात कर रहे हैं ना आप? अरे नहीं नहीं जेठिया, मैं तो हमारी भैंस जमुना के बारे में बात कर रहा हूँ। कैसे भाग गई थी और अभी मिल भी गई? सॉरी सॉरी सॉरी। बाकी सब मजे में है ना? हाँ सब मजे में। जेठा तुझे याद है जब तू छोटा था तब मैं तुझे कंधे पे बिठा के पूरे गांव में घुमाता था? हाँ हाँ सब याद है काका, जब मैं छोटा था तो बहुत परेशान किया करता था आपको, नहीं? जेठा बाकी सब मजे में है ना? लगता है धनजी काका को मेरा कुछ काम है लेकिन बेचारे बोल नहीं पा रहे। काका कुछ काम है, कुछ कहना चाह रहे हैं आप मुझे? नहीं कुछ काम नहीं, बस ऐसे ही फोन किया। अगर कुछ बात है तो मुझे बेझिझक बताइए, शर्माइए मत। जेठिया बात तो है। अरे तो बोलिए काका, मैं आपके बेटे जैसा ही हूँ, आपका बेटा ही हूँ। जेठिया तेरी काकी को हॉस्पिटल में ले जाना है इलाज के लिए, अगर तू 10,000 की मदद कर देता तो तेरी मेहरबानी। अरे धनजी काका क्या बोल रहे हैं आप, ये मेहरबानी जैसा शब्द का प्रयोग करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अरे मैं आपका बेटा ही हूँ, आप हुकुम कीजिए। देखिए अभी आज तो रविवार है तो बैंक बंद है, कल सुबह बैंक खुलते ही मैं 10,000 आपके खाते में डलवा दूंगा, ठीक है? आभार जेठिया, मैं जल्दी ही पैसे लौटा दूंगा। अरे लौटाने की बात मत कीजिए धनजी काका, और चाहिए तो बोलना और भी भिजवा दूंगा, ठीक है? आप काकी का ठीक से अच्छे से इलाज करवाइए। जेठिया तारो खूब खूब आभार। अरे आभार तो आपका काका कि आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया। चलिए अब बेफिक्र हो जाइए, आपके खाते में कल सुबह पैसे आ जाएंगे, ठीक है? आओ जी। इंसान के भी क्या क्या मजबूरी होती है। एक काम करता हूँ, जयेश भाई को 12,000 उधार दिए थे वो आ गए, तो उसमें से 10,000 अभी से निकाल के साइड में रख देता हूँ, कल सुबह कहीं भूल ना जाऊं।
नरेश भाई के 12,000 आ गए वो डायरी में लिख लेता हूँ, कहीं भूल गया तो 1 महीने बाद उगराने के लिए मैं फिर से फोन करूंगा। अरे डायरी तो मैंने दया को दी थी संभाल कर रखने के लिए, दया ने कहाँ रखी होगी, उसी को फोन करके पूछ लेता हूँ। अरे दया, याद है तुझे मैंने एक लाल डायरी दी थी संभाल कर रखने के लिए? हाँ, दी थी ना। आ तो कहाँ रखी हो? संभाल के। अरे भाई मुझे उसमें हिसाब लिखना है, बोलना कहाँ रखी है? और देखिए वो अलमारी है ना, उसने मेरी साड़ियों के पीछे छुपा कर रखी है। ओके ओके, तू पहुँच गई? नहीं, मैं अभी रास्ते में हूँ, बस अभी थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगी। ओके ओके ठीक है, चलो ओके। हाँ ओहो, यहाँ तो साड़ियों का ढेर लगा है, अभी साड़ियों के पीछे। ओहो, कुल मिला के 1,25,000 रुपया रिश्तेदारों को दे चुका हूँ, और मामा के दोस्त को 8 साल पहले 30,000 रुपये दिए थे, वो अलग। मामा के दोस्त को जब से पैसे दिए उसने तो फोन करना ही बंद कर दिया, वो तो फोन नहीं कर रहे, लेकिन बेचारे मामा भी शर्म के मारे फोन नहीं कर रहे। अभी मैं सामने से फोन करूंगा तो उनको लगेगा पैसा मांगने के लिए फोन किया। खैर आज नहीं तो कल पैसे तो आ ही जाएंगे, आखिर सब रिश्तेदार है तो अपने ही, जब मर्जी दे, पर ना भी दे तो क्या टेंशन है, भगवान तो मुझे दे ही रहा है। अरे क्या मुसीबत है, जेठिया। हाँ बाबूजी। क्या हुआ बाबूजी, क्या हुआ? अरे क्या हुआ वाली, ये क्या है? ये वो दया की साड़ी है बापूजी। ये शर्म, तुझे शर्म नहीं आती घर में बहू की साड़ी पहन के घूमता है? अरे ये क्या बोल रहे हैं बापूजी, मैं कच्ची फैड़ा हूँ, मैं क्यों दया की साड़ी पहन के घूमूंगा? अरे तो ये सब क्या है? वो क्या हुआ बापूजी, वो मैं अपनी डायरी दया की वो साड़ियों के पीछे रखने गया उसकी अलमारी में, तो मेरा हाथ लग गया था, साड़ियों का ढेर पूरा नीचे गिर गया, एक एक करके मैं रख रहा था, लेकिन ये कैसी वाइडी साड़ी है, मेरा मतलब ये साड़ी इतनी वाइड है कि इसकी घड़ी नहीं हो रही है बापूजी। तो मैं कि इसको इधर ऐसे रख के फिर वो घड़ी कर रहा था, मैंने दया को एक बार देखा तो वो ऐसे रख के कुछ ऐसे घड़ी कर रही थी। ला हम दोनों मिलकर घड़ी कर लेते। अरे नहीं नहीं बापूजी, ऐसे रख देता हूँ, दया बाद में कर लेगी। अरे अभी 2 मिनट में हो जाएगा भाई, मैं तेरी मदद करता हूँ ना, ला ना तू। अरे पर जा पीछे, जा जा पीछे और पीछे जा। सॉरी सॉरी बापूजी सॉरी। उड़ी वाड़ी, एक काम तुझसे ठीक से नहीं होता। कोई बात नहीं, फटाफट फिर से कर लेते, 2 मिनट में हो जाएगा बापूजी। अरे क्या हो जाएगी, अंदर जाके ऐसे ही लगते वो आके कर लेगी। जा पहले मैं वही से बोल रहा था। क्या बोला तू, क्या बोला जी? हेलो, हाँ राम जी, हाँ मैं तैयार ही हूँ। अरे अभी 5 मिनट में मंदिर पहुंच जाऊंगा। हाँ हाँ आता हूँ। क्या हुआ? ओ दया मेरे लिए चाय बना के गई, मैं चाय पीना ही भूल गया, अभी ये चाय एकदम ठंडी हो गई होगी। चला मैं गर्म कर लूँ? अरे नहीं बापू जी, अभी दूसरी बना लूंगा मैं। क्यों, इसे गर्म करके पीने में क्या प्रॉब्लम है? ठंडी चाय को फिर से गर्म करके फिर वो टेस्ट का वो मजा नहीं आता है ना बापू जी। एक बात बता जेठा, तू दिन में कितनी चाय पीता है? मैंने सुना है दुकान में पूरा दिन तेरी चाय चालू ही रहती है। किसने कहा? अरे मुझे किसी ने भी कहा हो,
मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। ये नट्टू काका और बागा भी ना पगार मुझसे लेते और चमचागिरी बापूजी की करते हैं। नहीं नहीं ज्यादा नहीं होती बापूजी, वो क्या कभी कोई बड़ा कस्टमर आ जाता है तो उसके लिए मंगाते हैं। अभी उसको बुरा ना लगे इसलिए उसको कंपनी देने के लिए थोड़ी कटिंग एक दो घूट पीता हूँ बस। चल चलो वे, सब जानता हूँ मैं। तो सब क्या कह दिए, मुंह बिगाड़ रहे? अरे नहीं नहीं बापूजी, कैसी बात कर रहे हैं? आपको तो पता है आप मुझे कटु से कटु वचन भी कहे तो भी मैं कभी अपना मुंह नहीं बिगाड़ता हूँ। तो अभी ऐसा क्यों किया? वो सुबह से एक भी चाय नहीं पीना तो जरा सर दर्द हो रहा है। तुझे सर दर्द हो रहा है? पर मैं अभी दूसरी चाय बना के पी लूंगा ना तो उतर जाएगा। आप जाइए, आप कहीं जा रहे हैं ना? हाँ मैं राम जी के साथ मंदिर जा रहा हूँ। हाँ तो आप जाइए, मैं चाय बना के पी लूंगा। अरे नहीं नहीं ठीक है, दो मिनट लगेंगे। आजा आजा यहाँ बैठ जा, मैं तुझे बाम लगा देता। बाम? हाँ बाम भाई, बाम नहीं बोला जो इतना चिल्ला रहा है। नहीं नहीं वो बराबर है बापू जी, लेकिन क्या है वो हमारे घर में जो बाम है ना वो बहुत तेज है, वो इधर लगाने पर फिर इधर वो चमड़ी बहुत जलती है बापू जी। अरे वो थोड़ी देर जलता है, कुछ नहीं होता, चलता है। हेलो, हाँ हाँ राम जी बस निकल ही रहा हूँ, हाँ अभी पहुंच जाओ अभी पहुंच जाओ। हाँ हाँ आप जाइए बाबूजी, मैं लगा लूंगा बाम, बाम लगा लूंगा, आप जाइए लगा लेना। हाँ मैं लगा लूंगा। जय जिनेंद्र। ओ जय जिनेंद्र। आश गए, लेकिन अभी चाय का क्या करूं, चाय के बगैर तो चैन नहीं मिलेगा। चाय की तलब अभी बढ़ती जा रही है, अभी चाय बनाने बैठू उससे अच्छा मेहता साहब के घर जाके चाय पीता हूँ। हाँ अंजलि भाभी, मेहता साहब को भले ही वो ग्रीन टी बर्बल टी ऐसे सब चाय पिलाती है, लेकिन मुझे तो वो मस्त मसालेदार चाय पिलाएंगी। अंजलि अंजलि। आई तारा, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, आर्टिकल लिख रहा हूँ, लिखते लिखते अटक गया हूँ एकदम से। अच्छा तो आपने मुझे इसलिए बुलाया कि आप मुझे देखे और आपको कुछ अच्छा लिखने की प्रेरणा मिले? जी नहीं अटक गया हूँ इसलिए जरा एक कप गर्मा गर्म फर्स्ट क्लास मसालेदार चाय बना दो ताकि दिमाग के कुछ तंतु खुल जाए। ओह दिमाग के तंतु आपके कप के खुल चुके हैं, सुबह से आधा कप करके तीन कप चाय पी चुके आप तारक, तीन कप। अंजलि हद करती हो तुम बीवी हो या कैंटीन की मैनेजर हो कि कब गिनती हो, क्या फर्क पड़ता है कितनी पी ली। तो आज वैसे भी संडे है अंजलि, छुट्टी का दिन, तो आज तुम्हारे डैड की भी छुट्टी होनी चाहिए। ठीक है ना, आपकी न मेरी। बनाओ बनाओ, मैं आपके लिए फर्स्ट क्लास गर्मा गर्म ग्रीन टी लेके आती हूँ। ये हरा रंग कब मुझे छोड़ेगा, तेरा काढ़ा कब तलक मेरा दिल तोड़ेगा, इसलिए दे दे चाय दे चाय दे चाय दे रे, दे दे चाय दे दे चाय दे चाय दे चाय दे रे, अच्छी चाय दे। ना ना करते चाय तुमको दे बैठे, करना था इनकार मगर तीन बार तुम्हें चाय दे बैठे। ना ना करते चाय हम तुम्हें दे बैठे, ओ जुल्मी रे चौथी भी चाय पिलाना, जल्दी से चाय पिलाना, अदरक भी तुलसी भी लौंग इलायची भी सबको तुम उसमें मिलाना, जल्दी से चाय पिलाना ओ जुल्मी रे, जल्दी से चाय पिलाना। हमें चाय चाहिए, हमें चाय चाहिए, क्या बात है। अब तो अंजलि तुम्हें मसालेदार चाय देनी ही पड़ेगी। सॉरी तारक, आपको चाय नहीं मिलेगी। अंजलि भाभी तुम्हें तो छो होशियार, 25 दिन करो छो एमनी साथे तकरार, रविवार नीचे मस्त सवार, ए जल्दी अंदर जाइने बनाओ मसाला चा तैयार, ए जल्दी अंदर जाइने बनाओ मसाला चा तैयार।
परम मित्र कवि बन गया भाई। इस बात पे तो बढ़िया मसालेदार चाय पीनी ही पड़ेगी, बनावा जी। हाँ हाँ जीठे भाई, आप बैठिए, मैं अब भी आपके लिए फर्स्ट क्लास पानी लाती हूँ। पानी? हाँ ठीक है, लाइए लाइए अंजलि भाभी, पानी लेके आइए। लेकिन ओ पानी को क्या थोड़ा सा उबल के उसमें थोड़ी चाय पत्ती डाल के थोड़ी सी इलायची और थोड़ा सा मसाला और शक्कर और थोड़ा सा दूध डाल के उबाल के लेके आइए। अरे ऐसा पानी तो मैं भी पीऊंगा, लेके आओ भाई, ऐसा पानी लेके आओ। तारक, अगर आपको ना पता हो तो बता दूं कि उसे पानी नहीं चाय कहते हैं, और आप सुबह से 3 बार चाय पी चुके हैं और 4थी बार चाय मांग रहे हैं। और आपको पता है ना, ज्यादा चाय पीने से आपको एसिडिटी होती है, और एसिडिटी होने के कारण सीने में जलन। अरे कोई जलन मलन नहीं होगी अंजलि, नो एसिडिटी नो जलन। तुम तो जेठालाल के लिए बढ़िया चाय लेके आओ, एक कप मसालेदार। हाँ अंजलि भाभी, चाय चाय पिलाई है ना। जेठा भाई, आई एम वेरी सॉरी, आप तारक के लिए मुझे मसाला चाय बनाने के लिए मत कहिए प्लीज। नहीं नहीं, मैं तो सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो अपने लिए कह रहा हूँ, चाय पिलाई है ना। हाँ जेठालाल के लिए, मेरे लिए नहीं, बना के लाओ फटाफट फटाफट। हाँ हाँ अंजलि, जेठा भाई के लिए गर्मा गर्म चाय लेके आओ, ताकि आधी उसमें से मैं पी जाऊँ। इससे तो अच्छा है मैं जेठा भाई के लिए फर्स्ट क्लास ताजा ताजा आंवले का जूस लेकर आऊँ। अरे बाप रे, सुबह सुबह दवा। अंजलि भाभी क्या है, मुझे ये सांप नेवले आंवले ये सबकी बहुत भयंकर एलर्जी है, तो मुझे चाय पीनी है, प्लीज चाय बना के ले आइए ना प्लीज। प्लीज जेठा भाई प्लीज, तारक के लिए आप झूठ मत बोलिए, मैं आपके लिए फर्स्ट क्लास आंवले का जूस लेकर आती हूँ, समझे। अंजलि भाभी, लेकिन मुझे सच में जूस नहीं पीना है, चाय पीनी है। जेठा भाई, मुझे पता है आपको चाय नहीं पीनी है, आप इस वक्त अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे सच में चाय पीनी है, क्या कि आज सुबह से जरा सर दर्द है, तो क्या चाय पीऊंगा ना तो सर दर्द उतर जाएगा। हाँ भाई अंजलि। ओ माय गॉड जेठा भाई, आपको सर दर्द है, फिर तो आपको बिल्कुल चाय नहीं पीनी चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं होता कि चाय पीने से सर दर्द कम हो जाता है, ये सब तो मन का वहम है। भले वहम तो वहम, सर दर्द तो उतर जाता है ना, पिलाइए ना चाय। इससे तो अच्छा है मैं आपके लिए फर्स्ट क्लास गर्मा गर्म अदरक का काढ़ा बना के लाती हूँ। जरा समझाइए अंजलि भाभी को, काढ़ा बीढ़ा। अंजलि तुम क्या कर रही हो भाई, समझने की कोशिश करो ना। अगला आदमी कह रहा है मुझे चाय दो, लेकिन तुम ये अदरक का काढ़ा लेके बैठ गई। अगला आदमी बोल रहा है मेरे सर में दर्द है, लेकिन तुम हो कि ये जुल्म है आने वाले मेहमानों पे अंजलि, जुल्म। एक मिनट तारक, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आप दोनों परम मित्र इस वक्त एक दूसरे की तरफदारी कर रहे हैं। और जेठा भाई, आप तो समझिए मेरी बात, पता है आपके दोस्त ने सुबह से आधा कप करके 3 कप चाय पी ली है। 3? और जेठा भाई, ज्यादा चाय पीने से वजन बढ़ सकता है, और तारक का वजन तो इस महीने 2.5 किलो बढ़ चुका है। इसलिए जब तक ये 2.5 किलो वजन कम नहीं होता ना, तब तक इस घर में मसालेदार चाय तारक के लिए नहीं बनेगी। लेकिन अंजलि भाभी, इसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने तो सुबह से 1 कप चाय नहीं पिए, और मेरा तो वजन भी नहीं बढ़ा है, बचपन से इतना ही है। हाँ जेठा भाई, तो मैंने आपको चाय देने के लिए कब मना किया, आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए फर्स्ट क्लास गर्मा गर्म मसालेदार चाय लेकर आती हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त, जो चाय मैं आपको दूंगी वो चाय आपको मेरी नजरों के सामने खत्म करनी पड़ेगी, उस चाय में से 1 बूंद भी चाय आप तारक को नहीं देंगे, बोलिए है शर्त मंजूर? कैसा धर्म संकट है। चाय तब तक ही चाय है जब तक वो गर्म हो, ठंडी हो जाए तो फिर काय की चाय, और जेठालाल की चाय ठंडी हो गई तो अब जेठालाल को चाय पीने के लिए मेरा घर मिला। और मेरे घर में जो डाइट क्वीन है उसे तो आप जानते ही हैं, घोषणा कर दी कि भाई जेठालाल को तो चाय मिलेगी लेकिन मुझे नहीं, और चाय पीने की तलब तो मुझे भी है भाई, लेकिन क्या करें साहब, नहीं मिलेगी, अब देखना है कि क्या होता है, क्योंकि एक तरफ जेठालाल के लिए चाय की तलब है और दूसरी तरफ दोस्त है, अब देखना ये होगा क्या जेठालाल अपनी तलब बुझाते हैं या दोस्ती निभाते हैं, वो चाय पीने के लिए हाँ कह देते हैं या इनकार कर देते हैं। भाई बैटिंग और बॉलिंग इस वक्त दोनों ही जेठालाल के हाथ में है, एक तरफ दोस्ती है और दूसरी तरफ चाय है, अब देखना है वो मुझे आउट करते हैं या खुद आउट हो जाते हैं। वैसे बाय द वे, आप होते तो आप क्या चुनते, चाय या दोस्ती, क्या चुनते बताइए ना। सर साहब, आप जो चुनते वो चुनते, इस वक्त तो आपने हमें चुन के हंसी का चुनाव कर लिया है, तो आप हंसेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तब तक ये सोचिए कि जेठालाल क्या चुनेंगे, चाय की तलब या दोस्ती।
देखते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.